हाँ तो तुम क्या कह रहे थे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में? दादाजी, आज उसने मुझे बहुत बड़ा झटका दिया। मैं जब उससे मिलने उसके घर पहुंचा तो कहने लगी, चिंटू जी, आज मुझे अपने पिछले जन्म की याद आ रही है। पिछले जन्म की? अजीब सी हरकतें कर रही थी, कभी हंस रही थी, कभी रो रही थी। मुझे तो लगा जैसे पगला गई हो। फिर क्या हुआ? मैं उसे साथ लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। पहली बार यहां आ रही थी, लेकिन उसे रास्ता मालूम था। गली में दाखिल होते ही घर की तरफ दौड़ पड़ी और दरवाजे के सामने आकर रुक गई। ये कैसे हो सकता है? ये तो कुछ भी नहीं, दरवाजे पे पंडित जी मिल गए तो उनसे कहने लगी, देखा पंडित जी, आपके बुलाते ही मैं फौरन यहां चली आई। पंडित जी ने बुलाया था उसे? इसी बात का आश्चर्य तो मुझे हुआ। आई वाज सरप्राइज्ड। पंडित जी ने कब बुलाया था? बुलाया था पंडित जी नहीं बुलाया था। वो आई क्यों नहीं, हमसे मिली क्यों नहीं, कहां है वो? दादाजी क्या हो गया? कहां है हमारी राधा? राधा नहीं, अनुराधा। वो नीचे बारांदे में झूला झूल रही है। झूला? जी हाँ, झूला देखते ही मचल उठी, कहने लगी ये उसका फेवरेट टाइम पास था। अरे वाह 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 वाह, अरे झूला झूलने का तो उसे बड़ा शौक था। हे भगवान, मुझे नहीं मालूम था कि पंडित जी का जलाली मंत्र इतनी जल्दी असर कर देगा। दादाजी क्या हो गया आपको? बेटा ये चमत्कार की बात है, तेरी समझ के बाहर है। राधा कहाँ है तू? राधा 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 राधा, मैं यहाँ हूँ। चिंटू, सुना तूने अपनी दादी की आवाज? ये दादी की नहीं, अनुराधा की आवाज है। दादी की आवाज है? अनुराधा की आवाज है। तेरी दादी की आवाज है? अनुराधा की आवाज है। वहाँ दरवाजे पे खड़ी है वो। दरवाजे पे खड़ी है? जी हाँ, आओ अनुराधा, अंदर आओ। असली नाम से पुकारेंगे तभी आऊंगी। असली नाम? वो क्या है ना दादाजी, मैं इसे प्यार से राधा कहकर पुकारता हूँ, इसलिए ऐसा कह रही है। आओ राधा, अंदर आओ। दादाजी आप इसे इतना घूर घूर कर मत देखिए, मॉडर्न ड्रेसेस पहनती है लेकिन है बहुत घरेलू। देखा नहीं कैसे आते ही पैर छुए इसने आपके? अच्छा तो ये तस्वीर चुनी आपने? ये मेरी दादी की तस्वीर है, दादाजी बहुत चाहते थे उन्हें, लेकिन उनके मरने के बाद मोतियों का हार पहन के जो तस्वीर खिंचवाई थी वो क्यों नहीं लगाई यहाँ? मोतियों का हार? अरे मोतियों का नहीं, हीरों का हार। लेकिन उसका जिक्र इनके सामने मत करो, इनकी अलमारी से चुरा कर दिया था मैंने तुम्हें। बताइए ना कहाँ है वो हार? तुम्हें नहीं पता वो कहाँ है? मुझे नहीं पता होगा तो फिर किसे पता होगा? चिंटू जी, मेरे बच्चे। दादा, मेरे बच्चे? ऐसे क्यों चौंकते हो? प्लीज जरा हमारे बेडरूम में जाओ, वहां से। हमारे बेडरूम में? हमारे यानी किसके बेडरूम में? तुम्हारे दादाजी के बेडरूम में। वहां पलंग के सिरहाने तकिए के नीचे अलमारी की चाबी रखी हुई है। चाबी से अलमारी खोलो और मोतियों का हार ले आओ। जाओ ना। जा रहा हूं। पलंग के सिरहाने तकिए के नीचे अलमारी की चाबी, अलमारी में मोतियों का हार, लेकिन ये सब तुम्हें कैसे मालूम? राधा कहिए, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हें ये सब? मुझे सब पता है। जन्म जन्मांतर की यादें मिट नहीं सकती, रिश्ते जितने मजबूत होते हैं यादें भी उतनी ही गहरी। लेकिन तुम ये सब नहीं समझोगे, इसलिए जैसा कहती हूँ वैसा करो। अच्छे बच्चे ज्यादा सवाल नहीं पूछते। अच्छे बच्चे? अच्छे बच्चे ये लाड़ प्यार की बातें अकेले में ठेके, लेकिन दादाजी के सामने तुम जाते हो नहीं। चिंटू जी प्लीज। जा रहा हूँ। पलंग के सिरहाने तकिए के नीचे? नहीं 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 नहीं, अलमारी के अंदर तकिए का हाथ।